सब कुछ मैशअप हो रखा है तो, बट ये है कि हम सोच रहे हैं कि घूम भी लेंगे, सिब्बू का बर्थडे भी अच्छे से बन जाएगा। तू क्या, तू नहीं जाएगा, दाढ़ी वाड़ी सेट नहीं करेगा अपनी? क्या हुआ? एक तो एक तरफ येलो येलो हो रहा है और एक तरफ पिंक पिंक हो रहा है। तो गाइस देखो, सारा सामान अभी बिखरा हुआ है, वैसे मेरे को पैकिंग वैकिंग करनी है, कपड़े रखने ले जाने के लिए, समझ नहीं आ रहा क्या रखूं, इतनी कंफ्यूजन है ना। वैसे ही नेचुरल ग्लो है मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कैसे हो सारे, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो भाई अभी जस्ट मैं उठा हूँ और सबसे पहले आज मैं जो एक बहुत बड़े काम करने वाला हूँ, अपनी दाढ़ी और अपने बाल को कटवाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रही है, गर्मी इतनी लग रही है ना बहुत ज्यादा। तो चलो गाइस, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अभी सलोन पे, और सलोन पे जाके ये काम निपटाता हूँ और उसके बाद फिर बताते हैं आगे का क्या सीन है, क्या प्लान है। ठीक है गाइस। यो प्रो, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहा है, काम कर रहा है? प्लान पता है आज का? नहीं पता? नहीं पता बोल दिया भाई। नहीं पता? अरे क्या, नहीं पता? अरे यार प्रेशर में डालो ऐसे। नहीं पता? पता चल जाएगा अभी, दो मिनट। ओ भाई बहुत तेज गर्मी हो रही है गाइस, और ये देखो कितनी गंदी गाड़ी है, इसको साफ कराएंगे। भाई तो अमन और अभी शोना जा रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? भाई शोना कल रात में आई थी गाइस, अभी ये लोग जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तैयारी करने हैं। अभी बताऊंगा किस चीज की तैयारी करने, जल्दी आना। तो भाई गाड़ी देखो कल ही आई है और कितनी बढ़िया लग रही है एकदम, कल के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। और ये देखो कितनी गंदी हो रही है वाली, वो रिटियागो और ये रिटिगोर, इसको आज वॉश कराता हूँ मैं। भाई गाइस सीन कुछ ऐसा है कि सुबह उठते हम सब ने रचित को बोला कि भाई तेरा डायमंड प्ले बटन आया है, उसकी पार्टी तो दे। तो भाई पता नहीं इसका एकदम मूड कैसे बन गया, चलो आज तो मैं घुमा लेने चलता हूँ। तो अभी पता नहीं हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, बट हाँ कहीं तो ट्रिप पे जा रहे हैं। देखा नहीं आपने, अमन और सोना भी घर गए हैं कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो अभी बताता हूँ मैं आपको कहाँ जाएंगे, अभी मेरे को भी नहीं पता फिलहाल, बस इतना पता ट्रिप पे जा रहे हैं, इसलिए देखो अभी थोड़ा बाल वाल कटवा लेते हैं यार। तो गाइस कहाँ, मैंने आपको बोला था मैं सलोन जा रहा हूँ बाल वाल कटवाने के लिए और बियर्ड सेट कराने के लिए। अब देख लो मैं कहाँ हूँ, इस समय मैं मॉल में हूँ। ये देखो यार, ये है एम्बियंस मॉल, और मैं एम्बियंस मॉल कैसे आ गया मैं आपको जस्ट 2 मिनट्स में बताता हूँ, मैं एम्बियंस मॉल कैसे आ गया। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा, रचित को गिफ्ट लेना था सिब्बू के लिए, और लेना एक्चुअली मुझे भी था, बट ये क्या है ना, रैंडमली आज हमारा घूमने का प्लान जो बना वो इसलिए बना कि रचित का प्ले बटन आया, डायमंड प्ले बटन, और सिब्बू का बर्थडे भी है, तो इस करके फिर हमारा प्लान बन गया जाने का। तो हम उत्तराखंड कहीं जा रहे हैं, अब ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, आगे पता चल ही जाएगा कहाँ जा रहे हैं। तो भाई रचित तो देखो डायसन की किट ले रहा है सिब्बू के लिए, अभी अंदर है वो, और मैं कंफ्यूज हूँ मैं क्या लूँ। हाँ आ रहा हूँ भाई। तो भाई अभी हम हैं क्रोमा में, ले लिया भाई? तो भाई रचित ने तो गिफ्ट ले लिया। लिया नहीं, अभी वो बिलिंग की पूछने गया। तो भाई इसने तो गिफ्ट ले लिया है, और देखो अब क्या देख रहा है, तो क्या देख रहा है, परफ्यूम लेने के लिए, उस पे परफ्यूम वैसे है, और दूसरी बात हम कम ही यूज करते हैं परफ्यूम वगैरह। और भाई शोना ने कहा कि ज़ारा का परफ्यूम ले ले। सुन तो ले, और क्या सीन है, अभी हम जब बनारस गए थे तो बहुत सारे इत्र लेके आया था मैं। अच्छा, तो मतलब नीड नहीं है वैसे परफ्यूम की। भाई मेरे को कितनी कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ यार। भाई तू ही सजेस्ट कर दे। भाई क्या बताऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, एक चीज पता थी वो मैंने ले ली, इसको जो पता थी एक चीज इसने ले ली जल्दी से। तो भाई मैं ढूंढ रहा हूँ क्या लूँ या क्या ना लूँ। तो भाई देखो सीन कुछ ऐसा, अभी आज ना मतलब व्लॉगिंग जो स्टार्ट हुई है बिल्कुल इतने मैशअप में हो रखी है, कुछ सब हमें हमारे प्लान का ही नहीं पता, सिब्बू का बर्थडे, घूमने भी जाना है पहाड़ों पे, सब कुछ मैशअप हो रखा है। तो बट ये है कि हम सोच रहे हैं कि घूम भी लेंगे, सिब्बू का बर्थडे भी अच्छे से बन जाएगा। तो गाइज सुबह उठे थे, और सुबह उठ के ही जस्ट प्लान बनाया, और अभी मैं और रचित आए हैं जस्ट मॉल से, रचित ने तो गिफ्ट ले लिया, मैंने नहीं लिया, बट जो मैंने गिफ्ट डिसाइड करा है ना वो मैं आके और सिब्बू को अपने साथ ले जाके दूंगा, वो मैं ऐसे नहीं ले सकता, ऐसे लूंगा तो यू नो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो समझ जाओ, गेस कर लो क्या गिफ्ट है वो, क्योंकि यार बताने वाला था, छोड़ो यार। तो अभी जस्ट सलोन जाते हैं, बाल बाल कटाते हैं और हेयर वेयर सेट करते हैं, इसके बाद फिर तैयारी वारी करेंगे और यू नो निकलने वाले हैं हम लोग। तो चलो गाइस अभी हम, अभी मैं जा रहा हूँ सलोन, रचित तो चला गया जल्दी जल्दी, उसको कुछ ज्यादा ही जल्दी, मैं उसको इतनी जल्दी हो ना पहाड़ों पे जाने की। तो हम जा रहे हैं वैसे जाते हैं, मुझे पता चला हम जा रहे हैं उत्तराखंड में टिहरी जा रहे हैं टिहरी। ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने तो हेयर कट करा लिया, बियर्ड वगैरह सेट करा लिया, रचित बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा, अभी भी अंदर ही है, देखो कहाँ है, आ रहा है बस। तो चलो भाई अभी यहाँ से घर जाते हैं, घर जाके सबसे पहले नहाते हैं क्योंकि बाल बहुत ज्यादा चुभ रहे हैं। भाई इतना टाइम कौन लगाता है यार, मैं देख तेरे से पहले करा के यहाँ पे तेरा वेट कर रहा हूँ इतनी देर से। क्या और क्या करा रहा था ये तो बता दे, और भी कुछ कराया तूने? नहीं, कटिंग और शेव। झूठ बोल रहा है, फेशियल करा कराया है? नहीं कराया भाई, मैं करा आज तक नहीं कराया फेशियल तो जिंदगी में। ब्याह में तो कराएगा ना, वैसे ही नेचुरल ग्लो है मेरा। भाई ये तो बंद करा देगा सारे सैलून, इसकी बातें तो। हाँ जी, ये कैसे लेटा है तू इंस्टा है, पैर सीधा कर ले वाला। ये देखो गाइस अभी हम घर आए, और इसको देखो कैसे मस्त रिलैक्स कर रहा है। क्या हो गया, बहुत मजा आ रहा है ना टेबल पे चढ़ के बैठा है। ओए मिक्की माउस, क्या कर रहा है तू सुबह से, पता चल रहा तुझे कुछ ही नहीं पता चला प्लान वैन के बारे में? भाई घूसा मारूंगा देखे, अब तो पता चल गया होगा बर्थडे नहीं है सिब्बू का 21 को, तो हम लोग जा रहे हैं। ये नहीं पता चला बस कहाँ जा रहे हैं हम, जा रहे हैं उत्तराखंड टिहरी डैम। उत्तराखंड जा रहे हैं यार, मैं अपनी नानी के यहाँ चले जाऊँ, मेरे नानी का घर वहीं पड़ता है। तू फिर वहीं रह जाइए, हम तो वापस से छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। तू क्या, तू नहीं जाएगा, दाढ़ी वाड़ी सेट नहीं करेगा अपनी? क्या हुआ रचित, और मैं तो अभी थे सलोन, देख दाढ़ी वाड़ी बनवा कर आया, मस्त बियर्ड वगैरह सेट करा ली, बाल कटवा ली। तू भी अपनी बियर्ड सेट करवा रहा है ना, पहले करवा ली सेट, मैंने शेविंग करवा ली। तो देखो भाई मिक्की माउस चिकना लग रहा है, चिकना वगैरह आया तो क्या बात है, थोड़ी बहुत तो दाढ़ी रख लेता। नहीं
कपड़े पैक कर ले फिर पैकिंग नहीं करेगा बस कर लूंगा जल्दी कर ले उठ के इसको भी ले चल जाएगा ही इंस्टा तेरा तो वैसे ही बेस्ट फ्रेंड है ये और ये नहीं जाएगा गाइस ये दोनों ना बहुत तगड़े बेस्ट फ्रेंड है मिक्की और इंस्टा बहुत इनकी तगड़ी फ्रेंडशिप है इंस्टा 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 मिक्की चाचू को बोल तेरे को भी लेके चलेंगे चलो मिक्की चाचू ये आपसे कह रहा है इसको लेके चलो आपका भतीजा आपको कह रहा है चलो चाचा भतीजे चलो चलेगा ना हाथ मिला देगा चलेगा तो चलो ये देखो देखो तैयार हो गया चलो 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 दोस्ती हो गई क्या बात है तो गाइस बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है अभी जस्ट मैंने पर्दा हटाया तो देखा ऊ लाला क्या मौसम है रे क्या हुआ हंस क्यों रहे हो बेटा ये उलाला क्या होता है भाई उलाला मतलब किसी अच्छी चीज को बोलना उलाला वो वाला गाना भी तो है एक बात बोलूं उलाला तेरे कान उलाला तेरे कान मौसम देख कितना बढ़िया हो रहा है ये देख देख गदर का मौसम गाइस मुझे नहाना आता और ये रचित ना इतना टाइम लगा रहा है नहाने गया हुआ है भाई इतनी देर से बोले जा रहा हूँ बाहर आ जा बाहर ही नहीं आ रहा है और तो भाई एकदम देखो ये देखो क्या हो गया मौसम को एकदम ना पीछे देख पीछे 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 मौसम तो एकदम ऐसा हो रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे भाई गाइस एकदम ना पता नहीं विंटेज लुक हो गया पूरा ऐसा लग रहा है पुराने जमाने में आ गए एक तो एक तरफ येलो येलो हो रहा है और एक तरफ पिंक पिंक हो रहा है गाइस पता नहीं भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी जगह पे रहते हैं ना अलग ही दुनिया गाइस पता है जितना आने की आवाज इतना ज्यादा टाइम लगा रहा है अभी देख अभी पता मैं क्या करूंगा तो इतने दरवाजा खटखटाऊंगा बाहर निकल हालांकि हमारे यहाँ वॉशरूम 3 है बट क्या है ना मैं आदत एक में जाने की है ऐसा होता है तो चलो गाइस तो गाइस देखो एक गाड़ी आ चुकी है अपनी इसमें है निशांत और हेमंत फुल ऑन तैयारी हाँ भाई क्या हाल है भाई बढ़िया आ जाओ भाई हेमंत आ गया अब निकलेगा निशांत गाइस सबसे मजे की बात बताता हूँ अभी आपने देखा कि हेमंत और निशांत आ चुके हैं और ना मेरी पैकिंग हुई ना मैं नहाया ना रचित अभी जस्ट नहाने गया हुआ है ना उसकी पैकिंग हुई हमारी किसी हम कोई भी तैयार नहीं है अभी और ये लोग आ गए और अभी शोना रमन भी रास्ते में है वो भी आ रहे हैं अब ये लोग गाली देंगे ऊपर आके कि भाई हमें बुला लिया और तुम अभी तक रेडी नहीं हो एक बार ये ऊपर आ जाए इनके रिएक्शन देखते हैं क्या होंगे उतने में भाई मिक्की हमारी 1% तैयारी नहीं है और वो आ भी गए अभी तो आप नहाने जाओगे रचित भाई निकलेंगे पैकिंग होगी अभी तो अमन भाई भी आएंगे चलो गाइस आने वाले लोग आने वाले इंस्टा भी गया हुआ वॉक पे इंस्टा भी आने वाला होगा रचित को ढूंढता हूँ रचित कहाँ है हेलो भाई ओ माय गॉड क्या हाल है भाई हेमंत भाई क्या हाल है भाई अरे ये क्या हो गया भाई भाई मैं दोबारा शरीफ हो गया यू लुक सो जवान यू लुक लाइक 18 भाई आई एम जवान पहले ये बता वो कहाँ है क्या हाल है भाई ये भी है क्या ये भी सीन है क्या हाल है भाई क्या बढ़िया भाई भाई सबसे मजे की बात देखो निशांत भी आ गया हेमंत भी आ गया और रचित अभी तक रेडी नहीं है भाई और डंडा है पता कैसे करा कितने बजे 12:01 कॉल आई भाई जल्दी निकल जा क्या टाइम हो रहा है 6 बजे उसकी बातों पे क्यों विश्वास करते हो पता है वो गलती है मेरी गलती है मैं विश्वास कर लेता हूं लोगों पे लेकिन अभी नहीं करूंगा रचित कोई बात नहीं होता है होता है तो गाइस देखो सारा सामान अभी बिखरा हुआ है वैसे मेरे को पैकिंग वैकिंग करनी है कपड़े रखने ले जाने के लिए समझ नहीं आ रहा क्या रखूं इतनी कंफ्यूजन है तो भाई अब कपड़े छांट रहा हूं मैं क्या लेके जाऊं क्या ना लेके जाऊं पैकिंग करना भाई बहुत मुश्किल है सच बता रहा हूँ समझ नहीं आता क्या कपड़े रखे या ना रखे तो गाइस अपनी तो पैकिंग हो चुकी है मैंने तो कपड़े रख लिए इसमें दो जोड़ी अपने कपड़े आ गए इसमें मस्त तो गाइस मैं तो नहा धो के बढ़िया रेडी हो चुका हूँ और मेरी मस्त पैकिंग वैकिंग हो गई है अभी रचित गया है निशांत और हेमंत के साथ बाहर किसी काम से या मे भी कुछ खाने गया होगा तो अमन और सोना जस्ट आने वाले हैं और रास्ते में है तो भाई मेरी पैकिंग वैकिंग सब कुछ डन है बढ़िया एकदम और हेयर कट वगैरह मस्त लग रहा है मेरे को आप बताओ कैसा लग रहा है और बेड वगैरह भी सेट करा लेती मस्त ना कि इतनी फ्रेशनेस आ रही है ना कि बस क्या बताऊं डिनर अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे तो गाइस मिक्की माउस अभी रेडी हो रहा है भाई आज का मस्त पूरा दिन हमारा क्या निकला है सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग मिड ट्रिप की प्लानिंग में हमने आज पूरे दिन प्लानिंग करी कुछ बाहर गए आपने देखा ही व्लॉग में और सलोन गए पैकिंग करी बढ़िया एकदम अब घूमने जा रहे हैं वो सब आपको आगे के व्लॉग्स में देखने को जरूर मिलेगा बढ़िया तरीके से इंस्टाग्राम देखो मस्त रेस्ट कर रहा है इंस्टा चल आ जा चले ऑफिस गया था तू आज गाइस ये थोड़ा थका हुआ है ना ऑफिस से आया इसलिए मिक्की कितना टाइम लगेगा अरे चलना नहीं है क्या जल्दी कर भाई तू लेट कर रहा है डू इट मैन फास्ट तैर तैर के मत ना जल्दी नहा ले सिबुगिरी पैकिंग हो गई क्यों नहीं जा रहे भाई मैं क्या बोलूँ छोड़ो छोड़ो अभी ऐसा है ना मैं बीच में घुसा तो कहीं मैं ही पिट पिट आ जाऊँ झगड़ा हो रखा है थोड़ा सिब्बूगिरी और रचित का होता रहता है वो तो आपस में चलता है सबके बीच हमारे झगड़े होते रहते हैं फिर सॉल्व भी हो जाते हैं मैं बीच में नहीं बोलूँगा जल्दी यार पैकिंग कर लो प्लीज जल्दी सिब्बूगिरी बर्थडे आ रहा है ऐसा नहीं करते यार सिब्बूगिरी का बर्थडे आ रहा है हेलो अभी मूड खराब किया गया मेरा कोई नहीं ये तो पता है ये सरप्राइज से पहले की वो होते हैं ये कुछ पल सरप्राइज देने से पहले यही होता है सब पता है मुझे क्या सरप्राइज कोई सरप्राइज नहीं है कोई नो सरप्राइज जल्दी बैग पैक करो और पहाड़ों पे चल रहे हम गेट रेडी
आई होप आपको गाइज आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो अभी कुछ ऐसा है कि ट्रिप पे निकलने वाले हैं, वो आपको सब कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आज के ब्लॉग में आपने देखा फुल प्रिपरेशन थी हमारी, एकदम रैंडम प्लान बना जो रचित ने डिसाइड करा। तो सबको टाटा बाय बाय, ब्लॉग एडिट करते हैं और टाटा बाय बाय, डिनर करते हैं, गुड नाइट बाय। पता है आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय।